आपको दिखा रहा है तोरंगा लोकेशन है, और कितना प्यारा ब्यूटीफुल लोकेशन, सुंदर लग रहा है ये। क्या खूबसूरत सवाल। हे गाइस, एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्लीज यूज हेलमेट में। मैं विजय कुमारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। एच विजन की बात करूँ, जय माँ जतमई धाम में हूँ और यहाँ पे वाटरफॉल भी है और माता जी के दर्शन भी कराने वाले हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, हमारे ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। चिंगरा पगाल जलप्रपात और ये वाली रूट आपकी जाएगी गरियाबंद। तो हम लोग वापस जा रहे हैं राजीम साइड, जिम साइड चलते हैं और पंडुका से हम लोग को फिर से कटना है, वहाँ से जाएंगे हम लोग जतमई घटा रानी। चलते हैं ऐसे वादियों को एंजॉय करते हुए। और अंदर जैसे थे हम लोग तो वहाँ पे थोड़ा बहुत बूंदाबांदी पानी होने की जरूरत है, इधर बाहर आया तो पूरा सूखा दिख रहा है। और ब्लॉग कैसा लग रहा है वो भी कमेंट कीजिएगा। और इस वादियों से नेचुरल वो वादियाँ हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हैं। अब ऐसे नेचर तो अपने को बस बारिश और ठंडी के टाइम में, गर्मी के टाइम में तो नहीं मिलते हैं। हम लोग पंडुका पहुंच चुके हैं और हम लोग वापसी हो रहे हैं गरियाबंद साइड से, चिंगरा पगार वाटरफॉल से। सामने से जो रूट आ रही है राजीम के लिए आ रही, तो अब यहाँ से हम लोग राइट मुड़ जाएंगे और राजीम साइड से आएंगे तो अब लेफ्ट मुड़ेंगे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं जतमई घटा रानी वाटरफॉल का ब्लॉग शूट करने, और यहाँ पर लोग शायद चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद आगे निकलेंगे। और रोड तो अभी शायद काम चल रहा है, मरम्मत चल रही है, आगे देखते हैं। आगे थोड़ा रोड मेरे को सही लग रही है, यहाँ पर तो पूरी रोड ख़राब है। अब यहाँ से 27 से 28 किलोमीटर बताया जा रहा है, देखते हैं कितना दूर है पंडुका से। और अभी भाई अभी तक खूब पानी गिर रहा था, मतलब पानी की बौछार आ रही थी, बूंदे गिर रही थी, अभी पूरा धूप हो गया है। अजीब टाइप का मौसम हो जाता है, थोड़ी देर में पानी गिरने लगता है, थोड़ी देर में पूरा धूप हो जाता है, ऐसा देख रहे नज़ारे जा रहा है। रोड देखा जाए तो अभी टापो टाप है रोड, अब आगे देखते हैं किस प्रकार की रोड मिलेगी। अभी तो बिल्कुल बेहतरीन रोड है जाने के लिए। ये वीडियो ये ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे कितने लोग आके विजिट कर चुके हैं घटा रानी में वो भी कमेंट कीजिएगा। कितने महीने पहले आए थे, कितने साल बाद आए हो, कहाँ कहाँ से आए हो, वो भी कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे कमेंट भी लो, पूरा डिटेल बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। वाले से थोड़ा पूछना पड़ता है हमको, थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इधर की रोड तो उतना खास नहीं है, थोड़ा सा रोड अच्छी दिख रही है, मतलब इधर अभी रोड बनने का काम चालू हो रहा है। ये देखिए पुल उल बनाया जा रहा है, तो आगे चल के रोड बहुत अच्छी हो जाएंगी भाई, अच्छी हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि घूमने का स्थल है, पर्यटन स्थल है और मंदिर वंदिर भी बहुत सारे हैं। और यहाँ से अभी मेरे को लगता है मोटा मोटा 20-22 किलोमीटर है इस लोकेशन से, क्योंकि 5 किलोमीटर हम लोग अंदर आ चुके हैं। वहाँ से 27 से 28 किलोमीटर बताया जा रहा था जतमई घटा रानी। ओके, यहाँ से हम लोग को मुड़ लेना है फिर से। और रोड भाई देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा पैच ख़राब है गाँव का, गाँव की लोकेशन का, और इधर तो रोड ठीक ही ठाक है। रोड अब मेरे को ख़राब मिलने लगी है, और ये पूरी मोरम वाली रोड है। अब देखिए मोरम वाली रोड कहाँ तक ये पैच रहता है। अभी तक कई जगह थोड़ा सा पैच ख़राब था और रोड अच्छी थी, अभी जो पूरी पैच मेरे को दिख रही मोरम वाली, हो सकता है आगे फिर से मेरे को पैच अच्छी दिख रही है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिख रहा है। अब वो देखते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर में पैच ख़राब है, थोड़ी थोड़ी दूर में रोड बहुत अच्छी है, तो जैसे रोड फिर से अच्छी मिल गई। देखा जाए तो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है इन चीज़ों में, पर्यटन स्थलों के लिए, कि रोड को बहुत अच्छी कर दी जाए, बहुत अच्छे से बना दिया जाए, आने जाने वालों को प्रॉब्लम ना हो, बहुत अच्छा भी रहेगा ये चीज़। ये चीज़ हो भी जाएगा तो आसानी भी रहेगी, बहुत सारे लोग को साधनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं अच्छी लगती तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो गलती होती है कि यहाँ पे आपने गलती की है उसको भी कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और जब तक आप अपना सजेशन, आप अपना कमेंट, आप जो भी डिटेल है, आप DM नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो मेरे को पता नहीं चल पाएगी मेरी गलती क्या है। तो आप मेरी गलतियों को निकालें और मेरी गलतियों को बताएं कि ये गलती आपने किया है। और यहाँ पे छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, भाई देती था गाड़ी स्लिप खाने का डर था अचानक, ये रहा स्मॉल सा वाटर क्रॉसिंग। और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मेरे को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पर कोई बात नहीं, चलता यार,
फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस रहना भी जरूरी है। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा पता भी नहीं चलेगा ना कि धीरे धीरे अपने को सिंगल ही घूमना है। और यहाँ पे अमन फैमिली रेस्टोरेंट ढाबा, तो आप इधर आते हैं तो ढाबा वो भी है, आपको खाने वाने का पूरा मिल जाएगा। और जस्ट हम लोग इंटर कर रहे हैं बेहतरीन जंगल के लोकेशन में, और कुछ लोग इधर से वापस आ रहे हैं। गुड जॉब अंकल जी, हेलमेट लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो अंकल हेलमेट लगा के गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सल्यूट करना पड़ेगा। जो हेलमेट लगा के घूम रहा है, जो सीट बेल्ट लगा के पहन के चलाता है फोर व्हीलर, मैं उनको दिल से सल्यूट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ गए हैं एक्चुअल हम पहाड़ों में, और पहाड़ों में हमारी चढ़ाई चालू भी हो चुके है। इस साइड देखिए कुछ बड़े बड़े बोल्डर पत्थर पड़े हुए हैं, और रोड आप देख लीजिए, अब रोड एक्चुअल ख़राब मिलने लगी है हम लोग को। तो इस रोड को जल्दी से पार करते हैं, जंगलों को पार करते हुए। और जो भाई लोग ने अभी तक मेरे सोशल मीडिया फॉलोअप नहीं किया है, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक पेज हो गया, या टेलीग्राम हो गया, तो जाके सर्च करो प्लीज़ यूज हेलमेट, आपको वहाँ पे भी अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए। अरे भाई इधर देखिए क्या बेहतरीन लेक है भाई, ये एक नंबर। तो इधर भी चलेंगे, आगे इधर चलते हैं। तोरंगा जलाशय है ये, तोरंगा जलाशय। ओहो क्या बात, तोरंगा जलाशय। और इधर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं, ये भी कहीं रास्ता जाने का है। और यहाँ पे शायद पिकनिक स्पॉट है ये। और पानी का लेवल की बात की जाए तो उतना खास पानी का लेवल नहीं है, नॉर्मल पानी का लेवल है ये जलाशय। और देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा है। और इधर बनाया जा रहा है भाई पिकनिक, ये देखिए इधर पिकनिक बना रहे हैं, ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन है। और पानी की बात की जाए तो पानी लेवल बहुत कम है, जलाशय है, और बारिश जब गिरेगा तो और पानी का लेवल ऊपर तक आएगा, पर ठीक ठाक है, नॉर्मल इन्जॉय करने के लिए पिकनिक स्टाइल टाइप का। और वहाँ पर कुछ स्पेशल अतरंगी कुछ किया जाता होगा, क्या नहीं किया था, वहाँ पे घर बना हुआ है, और देखें बीच में बेहतरीन सा, मेरे को लगता है वहाँ पे टूरिस्ट लोग को रुकाया जाता होगा, इन्जॉयमेंट किया करवाया जाता होगा, जो भी बोल सकते हैं आप। और ये देखिए कुछ ऐसा प्यारा सा यहाँ का नज़ारा दिख रहा है, देख रहे हैं सुंदर सा तोरंगा जलाशय, जो कि अपन घटा रानी वाले रूट में जाते हैं तो हम लोग को दिखा था ये। और पानी का लेवल बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब उतना खास पानी का लेवल नहीं है, पानी का लेवल बढ़ेगा तो और मज़ा आएगा। और सर देखिए क्या सुंदर सा व्यू पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, लोकेशन ये देखिए। तो ये है तोरंगा जलाशय, घाटी में चढ़ रहे हैं, और कुछ इस प्रकार का प्यारा सा नज़ारा है देखिए। और यहाँ पे भाई लोग सब खड़े होके मस्त सेल्फी का मज़ा ले रहे हैं। तो ये एक प्यारा सा मोड़ आ चुका है घाटी का, और ये देखिए यहाँ से क्या व्यू पॉइंट है भाई, एक नंबर व्यू पॉइंट। ओ दिखा देते हैं आपको व्यू पॉइंट भी, हाँ। तो ये देखिए भाई यहाँ का व्यू पॉइंट, ये खूबसूरत व्यू पॉइंट देखें कहाँ है, तो क्या बात है भाई, एक नंबर प्यारा था। और नीचे आवाज़ आ रही पानी की, क्या सूरत। गाइस अभी वाली घाटी से हम लोग को चढ़ना पड़ेगा, और कुछ इस प्रकार का पूरा मोड़ है घाटी का। और अंकल जी को देखो बिना हेलमेट के ट्रिपल सवारी, और ट्रैफिक नियम का पालन ही नहीं है, धज्जियाँ उड़ा के रखे हैं। कुछ इस प्रकार का प्यारा सा व्यू पॉइंट देखो, देखिए कितना सुंदर। और बदल दिखे, कुछ इस प्रकार का बदल दिख रहा अभी। और मैंने घाटी में जस्ट चढ़ाव पे गाड़ी रोक दिया था, तो आराम से रोकना था मेरे को, आगे प्यारे से नज़ारे को इंजॉय करती है व्यू को। और इधर से बहुत सारे लोग भाई साहब लोग आ रहे हैं, और हम लोग अभी जा रहे हैं, कुछ लोग घूम के आ रहे। क्या प्यारा सा व्यू पॉइंट है भाई, और क्या प्यारी सी घाटी लग रही है, छोटी सी घाटी है बट बहुत अच्छी घाटी लग रही है। और ये भाई लोग शायद भिलाई से आए हुए हैं, जतमई घटा रानी में आपका स्वागत है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जतमई घटा रानी, गाड़ी पार्किंग वार्किंग लगाते हैं कहीं पर, तो ये कुछ इस प्रकार से गाड़ी वाड़ी लगी हैं, और आगे शायद जाना पड़ सकते हैं हमको। तो कहाँ से जाने का भाई रास्ता, तो गाइस ये फ्रंट गेट है,
फ्रंट गेट में लिखा हुआ जय माँ जतमई धाम। जय माँ जतमई धाम के अंदर आओ, जतमई मई दाई, वहाँ पे भी हमारा जतमई दाई लिखा हुआ है। तो नीचे चलते हैं और शंकर भगवान जी के भी दर्शन करते हैं और माता जी के भी दर्शन करते हैं। अंदर की ओर ये फ्रंट गेट है जय माँ जतमई धाम में, और कुछ इस प्रकार का प्यास यहाँ का नज़ारा है। और यहाँ पे कुछ कुछ लोग, श्रद्धालु लोग माता जी के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। और सीढ़ी बहुत अच्छी यहाँ पे बनाई है, व्यवस्थित है, और कुछ इस प्रकार का शेड बनाया गया है स्टील के पाइप के। और भाई लोग, कुछ लोग सब वापस हो रहे हैं शायद नहा के और वाटरफॉल का एंजॉय करके। तो गाइस हम चलेंगे इस साइड में, मैं आया था उस साइड से होते हुए, अब यहाँ पे एक रास्ता जाने का वाटरफॉल देंगे और फिर सीधा चलेंगे मंदिर की ओर। तो यहाँ चलते हैं, आपको वाटरफॉल दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से वाटरफॉल बन रहा है, क्या सुंदर लग रहा है, देखिए कितना सुंदर। और सामने मंदिर है, हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास और धीरे धीरे आगे को प्रस्थान कर रहे हैं धीरे से। और बहुत सुंदर लग रहा है भाई, शंकर भगवान जी का सामने मंदिर है आगे, तो पहले शंकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए नेचुरल वाटर बहता हुआ जा रहा है, यहाँ से अपना पूरा बोल सकते हैं पैर को शुद्ध किया जा रहा है। तो चलिए शंकर भगवान जी के पहले दर्शन करते हैं, जो कि सावन चल रहा है, तो सावन में शंकर भगवान जी के दर्शन कीजिए। जय हो शंकर भगवान जी, भोलेनाथ जी के, जय भोलेनाथ जी, आपकी जो भी मनोकामना घर बैठे मांग सकते हैं। और सामने विराजित है नंदी महाराज जी, जो कि इनकी सवारी है शंकर भगवान जी की। चलिए सीढ़ी से चलते हैं, यहाँ पे क्या है जाने की, तो यहाँ से भी जाके देख लेते हैं। सीढ़ी से ऊपर की मंदिर की ओर ज्योतिर्लिंग है, पूरे ज्योतिर्लिंग यहाँ पे, अरे वाह क्या सुंदर है यहाँ पे तो भाई, एक नंबर। ये देखिए सब अलग अलग ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, देखें कितने प्यारे से 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, जो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं ना, वो यहाँ पे स्थापित हैं जतमई धाम में। और कुछ इसको रथ टाइप बनाया गया है, ये देखिए क्या प्यारा सा भाई, सुंदर सा लग रहा है, देख रहे हैं। हमने शंकर भगवान जी के और ज्योतिर्लिंग के 12 ज्योतिर्लिंग उनके दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं जतमई माता जी के दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। और यहाँ से ऊपर भी कैसे जो कि ज्योतिर्लिंग था, अब यहाँ से जाने का रास्ता है, तो इधर से जाने का रास्ता है, यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। पानी आ रहा है, यही स्रोत होके आगे जाके वाटरफॉल में कन्वर्ट होता है, तो आपको वहाँ भी दिखाएंगे। और उधर प्यारे से हैं बजरंगबली की बहुत विशाल प्रतिमा, चलिए बजरंगबली भगवान जी के भी दर्शन कराते हैं। तो यहाँ से जाने का रास्ता है, यहाँ से चलते हैं। ये देखिए सामने है बजरंगबली जी, तो चलिए बजरंगबली जी के पास चलते हैं, उनकी विशाल प्रतिमा के पास। और पानी का स्रोत आप देखिए, अभी पानी का स्रोत थोड़ा कम हो गया है, और दो दिन पहले इतना ज़्यादा पानी था मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। कुछ भाई लोग यहाँ पे आए थे, तो वहाँ का मेरे को वीडियो बना के दिए थे, तो बहुत अच्छा लगा था, मैं उसी के वजह से यहाँ पे आया था, मतलब चलिए ब्लॉग बना लूँगा। पर पानी का लेवल कम होने की वजह से ठीक ठाक है, मतलब इन्जॉयमेंट हो जा रहा है, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ का पानी का स्रोत है। हम पहुँच चुके हैं बजरंगबली की प्रतिमा के पास, और कितनी सुंदर प्रतिमा लग रही है, देख रहे हैं कितनी विशाल। और इनके पैरों के नीचे से पानी बहता हुआ जा रहा है सुंदर सा, ये देखिए वाटरफॉल कन्वर्ट हो गया। क्या विशाल से बजरंगबली, और कितनी सुंदर प्रतिमा लग रही है इनकी। और जिस ये जो विशाल प्रतिमा बजरंगबली जी की दिख रही है, ये जतमई धाम में है, आप यहाँ पे आइए विजिट कीजिए और सेल्फी लीजिए, कितने सुंदर लग रहे हैं बजरंगबली जी, और कितने विशाल लग रहे हैं। और ऊपर लिए हैं लव लवकुश जी को लेके बैठे हुए कंधों में, तो ये देख लीजिए। अब चलिए चलते हैं वाटरफॉल की ओर, जो कि
जतमई धाम में वाटरफॉल बह रहा है, वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ का पीछे से घूम के आ चुका हूँ, अब चलते हैं इस साइड में माता जी के दर्शन करने के लिए। तो माता जी के चलिए दर्शन करते हैं, वाटरफॉल भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए मधुमक्खी की बहुत सारे छाते हैं। तो ये माता जी हैं गद्दी वाली बड़ी माता, तो इनके भी दर्शन कीजिए घर बैठे, जो भी आपकी मनोकामना बात है। कितनी सुंदर है, कितनी विशाल लग रही है माता जी। यहाँ पे हैं राम दरबार जी, तो इनके भी आप दर्शन कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना घर बैठे मान सकते हैं। जय हो राम दरबार जी की। बड़ी गद्दी माता जी के दर्शन भी कर लिए और राम दरबार जी के भी कर लिए, अब नरसिंह भगवान जी के दर्शन करते हैं घर बैठे। नरसिंह महाराज जी के भी दर्शन कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना मांग सकते हैं। जय हो नरसिंह महाराज जी। मेन मंदिर के पास आपको मेन मंदिर दिखाते हैं, और यहाँ से बन रहा पूरा वाटरफॉल। ये देखिए क्या प्यारा सा वाटरफॉल बन रहा भाई, सुंदर सा, देख रहे हैं ये सब प्यारा सा वाटरफॉल बनता है। तो गाइस देख लीजिए कुछ इस प्रकार का प्यारा सा वाटरफॉल है, और कितना सुंदर लग रहा है मैं आपको बयां भी नहीं कह सकता। बहुत विशाल और कितनी तेज पानी की रेंज है, और बारिश के टाइम में आया होता तो और तेज़ होता, पर जितना भी है बहुत खूबसूरत है यहाँ का वाटरफॉल विशाल सा। तो यहाँ पे आप आइए माता जी के दर्शन कीजिए और वाटरफॉल का लुक उठाइए, कुछ इस प्रकार का प्यारा सा वाटरफॉल का नज़ारा है। गाइस अब हम लोग जाने वाले हैं माता जी के दर्शन करने, जतमई माता जी के। तो ये हैं माँ जतमई माता जी, अब माता जी के दर्शन करते हैं। जय जतमई माता। तो आप घर बैठे माता जी के दर्शन कीजिए। तो थोड़ा बहुत आपको नीचे साइड का लोकेशन दिखाता हूँ, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से। तो गाइस देखिए यहाँ से पूरा वाटरफॉल बनते हुए नीचे जा रहा है, और यहाँ से पानी वो देखिए पूरा पहाड़ियों में बहते हुए कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हैं। और उस टाइप से पूरा पानी आ रहा है, तो आपको एक बार और दिखा देता हूँ। आराम से चलना पड़ेगा भाई, देख रहे हैं पानी का फ्लो कितना तेज पानी का फ्लो है। भाई साहब क्या खूबसूरत सा वाटरफॉल, देख रहे हैं कितना सुंदर वाटरफॉल है। तो गाइस जतमई धाम और जतमई वाटरफॉल का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही खूबसूरत से वाटरफॉल के ब्लॉग में। जय माता दी, जय जतमई धाम। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत।